जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, हम अरुण यादव आर्मी लवर बलिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपना एनिमल ट्रांसपोर्ट का एडमिट कार्ड किस प्रकार डाउनलोड करें, और पहली बार जो जा रहे हैं वो अपना एग्ज़ाम देने ITBP एनिमल ट्रांसपोर्ट का, तो एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी या रंगीन कैसा होना चाहिए, और एडमिट कार्ड के साथ आपका ID प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना अनिवार्य है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मुख्य रूप से दोस्तों, आप लोग एडमिट कार्ड रंगीन निकलवा लीजिएगा कलर में तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पर कभी कल मांग देते हैं, तो आप लोग बहुत दूर से जाते हैं तो वहां पर अधिक पैसा ले मांगने लगते हैं। 10 रुपये की जगह पर आप लोग 30 रुपये 20 रुपये मांगने लगते हैं, तो इसलिए आप लोग मुख्य रूप से अपना यहीं से, जहां से आप लोग निवासी हैं, वहीं से आप लोग अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रंगीन ही लेकर जाइए, अच्छा रहेगा। और एक वैध रूप से फ़ोटो होना चाहिए, और जितना आप लोग विवरण दिए हैं फॉर्म फिलअप करते समय, उसको प्रूफ करने के लिए ID प्रूफ में अपना आधार कार्ड लेकर जाइएगा। मांगने के लिए तो पैन कार्ड भी मांगा गया है, उसके बाद से DL भी मांगा है, तो ये DL हो या ना हो ये सबसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोगों के पास तीनों में से एक होना चाहिए। तो आप सभी लोगों के पास आधार कार्ड है, तो आप लोग आधार कार्ड लेकर जाइएगा। और ये एडमिट कार्ड किस प्रकार डाउनलोड करते हैं, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले अपने क्रोम को ओपन करेंगे, उसके बाद से यहाँ पर ITBP एडमिट कार्ड सर्च करेंगे, यहाँ पर आ गया है दूसरे नंबर पर, ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर TCN ऑन एप्लीकेशन लॉगिन, इस पर क्लिक करने के बाद से भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल आ जाता है। यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन दिखाई दे रहा है, उसके बाद से यहाँ पर ITBP रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है, उसके बाद से कैप्चर कोड के बाद यहाँ पर लॉगिन करना है। तो आप सभी लोग लॉगिन करने के बाद से, वेबसाइट थोड़ा नेट स्लो चल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसके बाद ओपन हो जाता है। यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स के बगल में लिखा है एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। एडमिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पर अब ओपन होना स्टार्ट हो गया, और 18 सितंबर लिखा गया है, 15 से लेकर 18 सितंबर तक आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का ओपन हो जाएगा एडमिट कार्ड। ओपन होने के बाद से यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है, उसके बाद से इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने में थोड़ा वेबसाइट स्लो चल रहा है तो उससे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, और उसके बाद से हम आप लोगों को ये दिखा दिए एडमिट कार्ड किस प्रकार डाउनलोड करते हैं। आप सभी लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, सभी भाइयों का 15 से 18 तक एग्ज़ाम पड़ा है, तो ये हमारे भाई का है, इनका भी एग्ज़ाम पड़ा है कानपुर में। तो आप सभी दोस्तों, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अपना जाइए एग्ज़ाम दीजिए। जय हिंद दोस्तों। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा आप लोगों को, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों का सेंटर कहाँ गया है और ये भी कमेंट करके बताइएगा। और हमारे जितने दोस्त बलिया जिला से के रहने वाले हैं, वीडियो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का कानपुर सेंटर गया है, तो आप लोगों का अभी कहाँ गया है ये कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।